वेलकम व्यूअर्स, चलते हैं आज टॉपिक पे डिस्कस करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड और सीधे प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम हमारा है कोन का, साथ में कोन का डेटा दिया हुआ है आपका 75 mm डायमीटर एंड एक्सिस 80 mm लॉन्ग, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द HP। ये पोजीशन हो गया कि HP पे उसका बेस जो है वो रेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द VP, इंक्लाइंड एट 45 degrees टू द HP एंड कटिंग द एपेक्स एट ए पॉइंट 35 mm फ्रॉम द एपेक्स। तो ये हो गया सेक्शन प्लेन का पोजिशन। बोला जा रहा है आपको केस है हमारा सेक्शन प्लेन का, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइंड टू द HP। 45 degrees से इंक्लाइंड है HP पर और साथ में एपेक्स से कितने डिस्टेंस पे इसको कट कर रहा है, 35 mm, ठीक है, इस तरह से यानी कि मान लीजिए एपेक्स ये एपेक्स इसका डिस्टेंस इतना होगा और 45 भी ये बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू जो होगा उस पर क्या होगा, सेक्शन प्लेन का ये लाइन दिखेगा, लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे तो सेक्शनल एरिया दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या क्या क्वेश्चन में मांगा जा रहा है। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है, सेक्शनल साइड व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, यानी आपको ट्रू, यानी इसमें चार चीज मांगा जा रहा है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू भी, सेक्शनल साइड व्यू भी आपको, और ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो आपको मालूम है कि साइड व्यू के सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सेक्शन प्लेन का पोजीशन। तो सेक्शन प्लेन जिस पर लाइन दिखता हो, तो आपने देखा था कि फ्रंट व्यू पर लाइन दिख रहा था, तो फ्रंट व्यू में हम सेक्शन प्लेन का पोजीशन शो करेंगे, वहाँ से हैची प्रोजेक्टर ड्रॉ करके फिर हम टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होगा सेक्शनल साइड व्यू। तो आप सभी को मालूम है साइड व्यू के लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक रिफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे हम XY के परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके बाद आप 45 degrees दोनों के बीच ड्रॉ करके फिर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों के प्रोजेक्टर के हेल्प से आप साइड व्यू बनाओगे। और फोर्थ हमारा होगा स्टेप ट्रू शेप। तो ट्रू शेप भी आपको मालूम है, सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक आप एक्सिस ड्रॉ करोगे, फिर सेक्शन प्लेन जो है हमारा टॉप व्यू का उसका डिस्टेंस आप रिफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में जो आएगा वही आप उस लाइन के रिस्पेक्ट में उसे मेजर करके कट करके फिर आप बनाओगे। तो चलते हैं हम देखते हैं कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम कोन का टॉप व्यू बनाते हैं, इसके बाद फ्रंट व्यू। सबसे पहले रिफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, रिफरेंस लाइन के बाद हम टॉप व्यू बनाएं। टॉप व्यू एक कोन का सर्कल की तरह दिखेगा और ये रहा एपेक्स का पॉइंट। अब हम जानते हैं कि हम लोग कि जब भी सर्कल बनाते हैं तो एक्यूरेट शेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे या तो आप 4 parts में डिवाइड करो, या तो 8 parts में या 12 parts में, और जितना आप ज़्यादा डिवाइड करोगे पॉइंट आपका उतना ही नियर आएगा, फिगर उतना ही क्लियर बनेगा। तो इसे हम चलते 8 parts में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से मैंने 8 parts में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका मार्किंग करेंगे। देख रहे हैं मार्किंग कर दिए और ये सेंट्रल एक्सिस है एपेक्स, ठीक है, तो बेस का सेंटर प्लस एपेक्स O1 और O2। अब सीधे प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे सबसे और फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू का शेप क्या होगा, एक ट्राइंगल बनेगा। इस तरह से फ्रंट व्यू हमारा बन गया। ये आपका जितना भी डायमेंशन का दिया हुआ है सेंट्रल एक्सिस इतना बनाना है और सारे जितने भी यहाँ से आप प्रोजेक्टर ले जा रहे हो सबको एपेक्स से आप मिलाओ, फिर मार्किंग करो। जैसे कि ए का बी और एच एक ही साथ होगा, सी और जी साथ में, O1B, फिर डी और एफ एक ही पॉइंट पे होगा, ई इस पर आएगा, ठीक है, और O2 यहाँ। इस तरह से कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सेक्शन प्लेन का पोजीशन, जो कि फ्रंट व्यू में एक लाइन की तरह दिखेगा। आपको मालूम है कि एपेक्स से, ठीक है, 35 आप मेज़र कीजिए,
पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करना है जो कि एचपी के साथ 45 भी बनाए। इस तरह से आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया जो कि यहाँ से 35 है। अब इस पॉइंट से हम इस तरह से इसको बनाएंगे कि 45 डिग्री एंगल ये एचपी के साथ बनाएं। इस तरह से फ्रंट व्यू में हमारा सेक्शन लाइन बन गया। अब ये कटिंग सेक्शन लाइन का क्या करना है, मार्किंग करना है जहाँ जहाँ ये कट किया है। यहाँ एक कटिंग पॉइंट है, एक कटिंग पॉइंट यहाँ, कटिंग पॉइंट यहाँ, एक कटिंग पॉइंट इधर और एक कटिंग पॉइंट, सबका नेमिंग करना है। इस तरह से मार्किंग किए, देखिए आपका वन को जो अगर हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका यहाँ कट करेगा यानी एक पॉइंट पे। टू और एट को करेंगे तो ये दोनों, तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 करेंगे। जहाँ पर दोनों को कट करेगा आप 2 8 करोगे, अब देखो 3 7 तो इस वाले को भी और इधर भी कट करेगा। 4 और 6 को करेंगे तो हमारा प्रोजेक्टर जब जाएगा तो 4 को भी करेगा और F और D दो को करेगा, जबकि 5 जो जाएगा वो सिर्फ E को करेगा, तो एक ही नेमिंग हुआ हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग मार्किंग करना जैसे ही स्टार्ट किए तो आप देख रहे कि वन से आपने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया तो यहाँ पे कट किया A को 1, ठीक है। अब है 2, तो 2 जो लाइन है हमारा B और H को कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 8 यानी B को कौन कट किया, 8 और 2 H को 2। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टर जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो 2 और 8, ठीक है, बी और एच को करके। अब आप 3 और 7 कौन सा लाइन है भाई, ये सी जी, तो सी और जी, तो आप देख रहे हो कि ये लाइन जो है कंसाइड हो गया, ये कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं। सबसे पहले इधर आते हैं 4 6 पे। 4 6 किसका है, एफ और डी का, तो एफ और डी को कट करेगा। तो 4 6 को प्रोजेक्टर जैसे ही आप करोगे, ठीक है, तो आप देख रहे हो प्रोजेक्टर ड्रॉ किए तो 4 को यहाँ कट किया और 6 को यहाँ। इसी तरह से 5 किसको करेगा, ई को, तो ई वाला लाइन ये है हमारा, तो 5 को करेंगे तो ई कट गया। अब हमने बात किया था कि 3 7 7 तो एक ही पर आएगा, तो हम किस तरह से करेंगे इसको प्रॉब्लम, तो जस्ट आपने जैसे पिरामिड में सॉल्व किया था सेम ऐसे ही करना है कि 3 और 7 को क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, किसके पे, सबसे लास्ट वाले स्लैंट हाइट पे, यानी आपको इस तरह से 3 7 पे एक लाइन, यानी आप ड्राफ्टर पे क्या करोगे, ड्राफ्टर पे इसको फिक्स कीजिए कि इरर ना हो, जस्ट स्लाइड कीजिए आप और इस तरह से, और इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, बिल्कुल इस तरह से जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कट के वहाँ से आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए सेम किस पे, ए ओ वन पे, क्या पे, ठीक है। मैंने रेड पेन यूज़ कर रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो डिस्टेंस है आप इसको मेजर करना है, अप एंड डाउन दोनों साइड आप कंपास के हेल्प से कट करोगे, बिल्कुल देखिए इस तरह से इसको मिलाना है और इस तरह से कट करना अप और डाउन दोनों साइड। मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा कर्व सही नहीं आया है, आप कंपास के हेल्प से करोगे, जस्ट यहाँ रख के अप एंड डाउन कट, ठीक है। अब क्या करना है, सारे पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 को मिला दीजिए और हैचिंग कर दीजिए, तो इस तरह से, ठीक है, हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है साइड व्यू बनाना। साइड व्यू के लिए हम क्या करेंगे, रिफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे x1 y1, यहाँ से 45 का एंगल ले करके ये लाइन ड्रॉ कीजिए और सारे पॉइंट से प्रोजेक्टर आप ड्रॉ कीजिए। इस तरह से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले टॉप व्यू में प्रोजेक्टर ले जा रही हूँ। अब क्या करना है, जो भी आपका कटिंग पॉइंट है आप यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्टर ऊपर के लिए और ले जाओगे। ये हमारा टॉप व्यू, यानी कि जब भी हम साइड व्यू देखेंगे तो एरो हमारा इधर से होगा, ये पोर्शन जो होगा वो विजिबल होगा, और अगर मैं एरो इस तरह से दे रही हूँ तो ये फ्रंट व्यू के लिए हुआ कि ये जो फ्रंट व्यू बन रहा है तो ये विजिबल वाला,
ठीक है। अगर इस तरह से एरो दे रही हूँ तो ठीक है, ये जो पोर्शन होगा वो टॉप व्यू में ये दिखाई देगा। इस तरह से आपको इधर से प्रोजेक्टर ले गए और ये फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर एफएक्स से गया, बेस से ये हमारा कंप्लीट है। अब क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो सेंट्रल, सेंट्रल तो ये क्या होगा, जितना ये हाइट सेम हाइट ये भी होगा क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब क्या करना है, सारे बेस से आपको एफएक्स मिला देना है। इस तरह से हमारा ये साइड व्यू बन गया, मार्किंग करना है सिर्फ। इस तरह से आप मार्किंग देख सकते हैं, जैसे एरो इधर से है तो जी का जो जाएगा वो ये लाइन हुआ, एच और एफ एक साथ, एच एफ एक साथ, ए और ई, देखिए ए और ई, सॉरी ये ए होगा और ई, ठीक है, बी और डी एक साथ और सी एक साथ, ठीक है। अब है नेक्स्ट स्टेप हमारा कटिंग सेक्शन लाइन। अब इससे आप प्रोजेक्टर इस पर ले जाइए, इस तरह से ले गए। अब आपको कट करना है, मतलब सॉरी आपको आपको मार्किंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का। अब आप देखिए आपको मैच कैसे करना है, ठीक है। तो 1 का लाइन देखिए किस पर है, ए पे, ठीक है। तो देखिए ए का लाइन कौन सा है भाई, ये ए का ये है और 1 का, तो दोनों कॉमन पॉइंट यहाँ मिला। उसी तरह से सिमिलर आपको चलना है 2 का, तो 2 का देखना है कि किस पे है, एच पे, 2 का देखिए एच पर है, तो हम क्या करेंगे, एच वाला इसमें खोजिए कौन सा है, ये वाला, एच वाला ये है, इस पे आपको जाना है और 2 को मिलाना है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। H का ये लाइन गया और 2 ये, तो ये हमारा मिला। इसी तरह से 3 का जो लाइन ये है और 3 देखिए किस पर है, G पे, तो G कौन सा किधर है हमारा, G ये है, ठीक है। तो G को आगे ले चलते और 3 कॉमन पॉइंट ये, तो 4 को भी इसी तरह से करना है, 4 F पे है तो F हमारा ये हुआ और 4 ये है तो कॉमन पॉइंट, इसी तरह से आपको करना है। फिर इसको क्या करना है, फ्री हैंड से मिला देना है, बिल्कुल आपको इस तरह से मिला देना है। अब इसका हैचिंग एरिया हमें बनाना है, मतलब हैचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री पे। इस तरह से जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, ये मैंने डार्क कर दिया और ये ऐसे ही लाइट छोड़ दिया गया। आप देख रहे हो इसी से ये प्रोजेक्टर जो होगा वो डार्क होगा और ये उसी तरह से जो भी इससे गया वो डार्क हो गया। अब नेक्स्ट होगा हमारा कटिंग सेक्शन लाइन के पैरेलल करेंगे 2 शेप निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बचा, अब 1 मिनट, 2 शेप ऑफ द सेक्शन। तो 2 शेप ऑफ द सेक्शन के लिए आप खुद से बनाओगे इस बार, ठीक है। रेफरेंस के लिए प्रीवियस वीडियो में आप जा सकते हो, ठीक है। इसका आप 2 शेप ऑफ द सेक्शन भी आप, तो इस तरह से ये जो लाइन है ये भी डार्क होगा जब आप इधर से देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।